हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल अंकित में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी मेमोरी की ए स्पेस यूज ना करके गूगल अकाउंट जो स्पेस देता है आपको, उसको यूज करके अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को कैसे सेव करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाके सर्च करिए गूगल फोटोज़। जैसे ही आप गूगल फोटोज़ पे सर्च करेंगे, एक मैंने इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं किया, वाईफाई मैं ऑन कर लेता हूँ। जी, जैसे ही मैंने गूगल फोटोज़ को सर्च किया, ये देखिए ये आ चुका है। तो जो सबसे पहले आपको गूगल फोटोज़ का ऐप दिख रहा है, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो रहा है और इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं 4.4 की है, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये डाउनलोडिंग हो रहा है। जब तक ये डाउनलोडिंग करके स्टार्ट होता है तब तक वीडियो, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल फोटो इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ। गूगल फोटोज़ ओपन हो चुका है। जैसे ही आप इसको पहले खोलेंगे तब वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये देखिए, इसमें पूछ रहा है साइन इन टू बैकअप, ये हाई क्वालिटी इमेजेस, तो साइन इन टू बैकअप लिख अपना ईमेल, आप अपने ईमेल को ये देखिए, मैंने अपने ईमेल को इसमें कर दिया है। अब ये साइन हो रहा है। ये देखिए साइन इन हो गया। अब ये मेरी पुरानी जितने भी फोटोज थी उनको सबको बैकअप करके ये मेरे को पुरानी ही से पुरानी जो है, ये गोल राउंडिंग का जो आ रहा है उसका मतलब है ये इसको बैकअप कर रहा है। देखिए ये सारे आ रहे हैं फोटोज, जब तक आ रहे हैं तब मैं आपको कुछ बता देता हूँ। गेटिंग फोटोज, अब ये देखिए फ्री अप स्पेस। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अभी मेरा चेक करके बता रहा है कितना आपका स्पेस बाकी है। तो यहाँ पे बैकअप एंड साइन अप, अगर आप बैकअप एंड साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपसे पूछता है आपकी ईमेल आईडी जिससे आपके फोटो आप सेव करना चाहते हैं। और यहाँ पे
ये मेरा 14 GB और 15 GB लेफ्ट, मेरा हीरो का 15 GB अभी लेफ्ट है। और इसमें सेलुलर डाटा यानी अपने मोबाइल डाटा से आप अगर बैकअप करना चाहते हैं तो यहाँ से बैकअप भी कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल चार्जिंग ओनली, मतलब इसका मतलब है कि जब आप अपना मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं, कहीं से बाहर से आते हैं और शाम को अपना चार्ज लगाते हैं, तो जैसे ही वाईफाई कनेक्ट करता है वैसे ही आपका ये सारे फोटोज़ ये बैकअप होने लगते हैं। और रोमिंग में जैसे कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो भी ऑटोमेटिकली वाईफाई कनेक्ट या मोबाइल डाटा से हो जाएगा। और ये अपलोड साइज आपको कैसा चाहिए, ओरिजिनल हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी मीन्स होता है कि अगर आप मान लीजिए 2K 4K की फोटो अपलोड करते हैं तो आप वीडियो तो अपने आप फुल एच डी में उसको कन्वर्ट कर देता है, या फिर ज़्यादा मेगा पिक्सल का, 40 मेगा पिक्सल का होगा तो उसको 16 मेगा पिक्सल में बदल देता है। और यहाँ पे बैकअप डिवाइसेस, यहाँ पे आप बैकअप डिवाइस यानी आप पूरा का पूरा फोल्डर बैकअप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये देखिए सारे फोल्डर आ गया, तो इसमें आपको मान लीजिए ये मेरे SD कार्ड, इसको बैकअप करना है तो ऑन करेंगे तो पूरा का जितना ही फोल्डर होगा SD कार्ड का वो पूरा फोल्डर बैकअप हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ से भी बैकअप एंड साइनेक्स से हेल्प ले सकते हैं। और हर मिनिमम ये ईमेल पे, एक ईमेल पे आपको 15 GB का स्टोरेज स्पेस मिलता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और इस पे गूगल सेटिंग्स, इसमें लोकेशन आपकी फ़ोटो को सेव करता है, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक नहीं है। और कैमरा शॉर्टकट, यहाँ पे आप गूगल फोटोज़ का कैमरा भी शॉर्टकट में यानी होम पेज पे ला सकते हैं। गूगल ड्राइव को इससे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी गूगल ड्राइव का जो स्पेस होता है उसमें भी आपकी फ़ोटो ला सकती हैं। और एसोसिएटेड कार्ड बैकअप, तो हम वापस जाते हैं, ये सेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये इसमें बता रहा है कि आपके फ्रेंड्स के साथ आपने क्या क्या शेयर किया है। तो मैंने अभी तक कोई शेयर नहीं किया है तो इसमें कोई भी नहीं आ रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं मेरे फोटोज़ बैकअप हो गए हैं, बैकअप हो रहे हैं वाले। देखिए जितने भी फोटो हैं ये सारे बैकअप हो रहे हैं, ये सारे फोटो। तो और एल्बम में जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर आपका कोई फोटो है तो वहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके एल्बम खुल चुकी है, ये आपका HD फूड वाल पेपर्स में जाना है, व्हाट्सएप इमेजेस में। और इसमें आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो पे क्लाउड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये बैकअप एंड साइनअप पर क्लिक करें तो ये सारे बैकअप हो जाएंगे। इसी तरह आप अगर बैकअप कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को यूज़ करके ना इसमें अपने फ़ोटो का बैकअप करके अपलोड कर सकते हैं। और तो कभी भी किसी भी उसमें इमेजेस में आप कर सकते हैं। इसमें एक स्कैन टू डिवाइस, स्कैन टू फोटो पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, फ़ोटो स्कैन बाय गूगल फोटो। ये मेरे लिए मेरे डिवाइस में अभी सपोर्टेड नहीं है तो ये नहीं होगा। अगर आपके फ़ोन में अगर हो सपोर्टेड तो आप इसको डाउनलोड करके फ़ोटो को स्कैन करके भी देख सकते हैं। आपको इसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप फोटो स्कैन करते हैं आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें आपको प्रिंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह आप बिना मेमोरी यूज किए यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन ना मिली हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।